नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। भीषण गर्मी में जहां लोग घर में रहकर और कारों में सफर करके एसी का लुफ्त उठाते हैं, वहां अंबाला छावनी के रेलवे रोड पर पुराने लोकल बस स्टैंड के निकट एक महिला रानी बीते 30 वर्षों से चटाई और चिक बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। ये काम वो बिना किसी मशीन की सहायता से केवल अपनी हस्तकला से करती है। कड़कती धूप में सर पर छत के बिना ही ये महिला सड़क के किनारे बीते 30 वर्षों से इसी काम धंधे को कर रही है। वैसे बदलते वक्त के साथ लोग घरों में चटाई और चिक का इस्तेमाल तो बहुत ही कम करते हैं, इसलिए आजकल के समय में घरों को धूप और गर्मी की लू से बचाने के लिए लोग प्लास्टिक की शीट और टीन शेड इत्यादि लगाते हैं। इसी वजह से ही चिक का काम बहुत कम हो गया है। यहाँ पर कूलर के पैड भी बनाए जाते हैं। ग्राहक तो आते हैं लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं जितना पहले आया करते थे। कोरोना काल के समय में इस महिला का काम लगभग ना के बराबर है। जहां पहले एक दिन में 10 चिक तैयार कर दी जाती थी, वहीं अब 2-3 दिन में कोई एक दो ऑर्डर ही हाथ लगते हैं। लेकिन ये महिला मांग कर खाने की बजाय अपनी मेहनत की कमाई से ही जीवन व्यतीत करना पसंद करती है। महिला ने जन साधारण से गुहार लगाई है कि लोग हमारे कारोबार की तरफ भी देखें और हमसे भी खरीदारी करने आए। अंबाला छावनी से हमारे संवाददाता सर्वेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट और मैं हूं सर्वेश शर्मा आपके साथ। तो जी हां, आज हम बने हुए हैं अंबाला छावनी के पुराने लोकल बस स्टैंड के ऊपर, जो कि रेलवे रोड पर ठीक स्थित है। यहां पर कई समय पहले जो देखा जाता था, कई तरह की यहां पर चटाइयां बैठने के लिए जिसको हम यूज करा करते थे, लकड़ी की कुछ तरह के आसन और चिक वगैरह बनाई जाया करती थी, जिसका हम लोग गर्मियों में पूरी तरह से प्रयोग करते थे, धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए और गर्मी, सूरज की तपती गर्मी जो मई और जून जुलाई की जो गर्मी होती, भीषण गर्मी, उससे राहत पाने के लिए अक्सर हम लोग अपने घरों के बाहर चिक लगाया करते थे। और ये चिक जो थी हमें बारिश की बौछारों से बचाया करती थी, धूप से बचाया करती थी और गर्मी के दिनों में जून जुलाई का वो तपता हुआ महीना और जिसके अंदर भीषण गर्मी होती थी, बर्दाश्त नहीं होती, लू चलती, लू के थपेड़े पड़ते हैं, तो लोग जो थे अक्सर अपने आशियाने में अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए जो है इसी चिक का सहारा लिया करते थे। तो आइए देखिए, मेरे ठीक पीछे लोकल बस स्टैंड पर अब सिर्फ एक वही परिवार रह गया, एक आश्रित परिवार रह गया है, जिसमें यहाँ पर एक काम करने वाली जो स्त्री है जो अपने हाथ से ही इन जालियों को, जो कूलर की जालियाँ आजकल बनती हैं, हम लोग अपने कूलर वगैरह में यूज़ करते हैं और साथ ही साथ जो घरों में लगने वाली चिक चटाइयाँ होती हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं लू से, गर्मी से बचने के लिए, तो मैं दिखाना चाहूँगा मेरे ठीक पीछे वो काम कर रही हैं अभी भी इस वक्त। तो आइए करते हैं उनसे छोटी सी मुलाकात कि किस तरह वह अपना भरण पोषण करती हैं और किस तरह इसको बनाती हैं और लगभग कितने वर्षों से वे इस काम में जुटी हुई हैं। सर्वेश शर्मा, हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट अम्बाला से। जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम बताइए। रानी जी, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आप गर्मी में तपती धूप के अंदर लोकल बस स्टैंड पर जो पुराना हुआ करता था यहाँ पर ये चिक वगैरह आप बना रही हैं जो कि गर्मी से हमें बचाती हैं, तो कितने समय से लगभग आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? 25-30 साल तो हो ही गए करते हुए, पहले हमारी सास करती थी, अब हम कर रहे हैं इसी जगह पर कर रहे हैं। हाँ जी। तो क्या क्या बनाते हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ चिक बनाते हैं, कूलर के पैड बनाते हैं। जी हाँ जी। और हमारे सिर पे आदमी नहीं है, मैं करती हूँ, एक लड़की है मेरी जी मेरे साथ, वो करती है। जी किस किस तरह की आप चिके यहाँ बनाते हैं? खाली प्लास्टिक लगा के चीजें बनाते हैं, कपड़ा लगा के प्लास्टिक लगा और कूलर के पैड बनाते हैं। कीमत की बात की जाए, अगर कीमत की बात की जाए इन चिकों की, तो लगभग कितने पैसे में आप इसको बना कर दे देते हैं? ये 1000 की भी बिक जाती है, 500 की भी है, 700 की भी है। कस्टमर आते हैं आपके पास लेने के लिए? बस थोड़ा कमी आते हैं, एक आधा आ जाते कभी हफ्ते में 10 दिन में। पहले के समय में जब अगर बात की जाए आप, लगभग कितनी संख्या में इन चिकों को एक दिन में बना लिया करते थे? एक दिन में अब तो खैर कुछ नहीं बना पाते, पहले तो 2-3 बन जाती थी, अब तो एक चिक बन जाती है, एक दिन में एक चिक बन जाती है जी। मेहनत आपकी ज्यादा है? हाँ जी, बांस काटना पड़ता है, उसमें से तीली निकालनी पड़ती है जी। हाँ जी, कोई ऑर्डर दे जाता है फिर बनाते हैं, नहीं तो कच्चा माल आप पहले लेकर आते हैं इसके लिए? हाँ जी, बांस लेके आते हैं फिर उसको साइज का काटते हैं, काट के फिर बनाते हैं। किस किस साइज में आप इसको बनाते हैं? पर जी 4 फुट तक की, 5 फुट तक की बना लेते हैं, 6 फुट तक की, इससे बड़ी नहीं। जैसे अभी ये गर्मी का महीना चल रहा है, जून का महीना चल रहा है, तो यहाँ बैठे हुए यहाँ किसी तरह की आपको परेशानी होती है? परेशानी है जी, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ सामने बैठे हैं, आते जाते सभी देखते हैं हमें।
मेहनताना की बात की जाए, अगर आप ये जो बना रहे हैं तो ग्राहक जो है यहाँ पर खरीदार आपका आता है क्या, आपकी चटाई की जितना पैसे बताते हैं 200 या 500 रुपए तो वो पूरी दे जाते हैं, किसी तरह की सौदेबाजी होती है? कोई नहीं देता सर जी, हम तो 30 रुपए रेट भी बताएंगे तो ग्राहक 25 का आएगा, 22 का आएगा, 23 का आएगा, आजकल कौन देता है किसी को पूरी रेट। कोरोना काल जैसे अभी चल रहा है यहाँ पर, तो किस तरह की आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए दुखी तो सभी हैं, तो सरकार ने जैसे अभी कोरोना का ग्राफ काफी हद तक नीचे जा चुका है, कोरोना की बीमारी जो तकरीबन खत्म होने के कंगार पर है और केसेस जो हैं अभी बहुत कम आ रहे हैं, तो आपने भी कोरोना का जो वैक्सीन का टीका वो लगवा लिया है? जी हाँ जी, एक हमने टीका लगवाया, एक लगवाना, थोड़ी सी हमारी सेहत ऐसी है ना, 15 दिन के बाद कह रहे वो लगता है। हाँ जी 45 दिन के बाद, 15 या 45 वो उसमें दिख देते हैं ना जी, करके आप दूसरा टीका जब वो बताएंगे फिर लगवा। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? बस जी हम गरीब आदमी हैं, हमने क्या कहना, हमारा जो ये पेंशन पुंशन लगी है, थोड़ा राशन पानी लगा जो मदद हो सके करके, हमारे सिर पे एक तो आदमी भी, दूसरा मेरे लड़की है उसका आदमी भी लापता हो गया 2 साल से, उसके छोटे छोटे बच्चे वो भी मेरे पास ही रहते हैं। तो संतुष्ट हैं आप अपने इस काम से अभी? बस अब शरीर में जी जब तक जान है जब तक तो कर ही रहे हैं, जब नहीं होएगा फिर भगवान के सहारे बैठे हैं जी। धन्यवाद आपका।